हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो सीरियल नंबर कैसे ऐड करते हैं, जो रो डिलीट करने या ऐड करने के टाइम अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर ले, यानी कि आपको मैन्युअली जा करके सीरियल नंबर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी जब यूज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमें ऐसा सीरियल नंबर ऐड करना है जो अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर ले। तो मान लीजिए कि यहाँ से शुरू करना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू टाइप करना है सबसे पहले, उसके बाद आर ओ डब्ल्यू टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रो का फॉर्मूला आ गया, इस पर डबल क्लिक करिए, फॉर्मूला यहाँ ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर देना है, माइनस का साइन लगाना है और दोबारा से आर ओ डब्ल्यू टाइप करना है, फिर से रो का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर इसको फिर डबल क्लिक करके हमें ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले डॉलर का सिंबल यहाँ पे लगाना है, ठीक है, उसके बाद ए टाइप करना है, उसके बाद दोबारा से डॉलर का सिंबल लगाना है। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम उस रो का नंबर ऐड करेंगे, मतलब कि जिस रो पर ये फॉर्मूला ऐड हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फोर्थ रो पे ये फॉर्मूला ऐड हो रहा है, तो हम इसके जस्ट ऊपर वाली यानी कि थर्ड जो रो है वो ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो नंबर हम टाइप करेंगे वो थ्री टाइप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ पे है तो जस्ट ऊपर वाला हमने थ्री वाला ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट हमने क्लोज किया और इंटर बटन आप प्रेस कर दीजिए, तो देखिए वन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हम इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग करेंगे। अब देखिएगा, आप जब भी मैं बीच में कोई भी रो डिलीट करूंगा, मान लीजिए कि मैं यहाँ एट्थ रो देखिए डिलीट कर रहा हूँ, यानी कि नंबर फाइव डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक किया हमने और डिलीट किया, तो ये देखिए अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया।